हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश्वपीडिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं या यहां पर रहकर भी आप अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। तो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है फेसबुक मार्केट प्लेस। तो फेसबुक में अगर आपका अकाउंट है तो आप उसमें मार्केट प्लेस जो उसका एक सेक्शन है, सब सेक्शन, उसमें जाकर आप अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। और जब भी आप अकोमोडेशन ढूंढें तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये है कि अकोमोडेशन आपके जो कॉलेज है जहाँ पे आपकी पढ़ाई है उसके आसपास ही होनी चाहिए। अगर आप उसके आसपास नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकते ज़्यादातर जो अकोमोडेशन होती हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके आसपास ज़्यादातर थोड़ा हार्ड रहता है मिलना और थोड़ी एक्सपेंसिव भी रहती हैं। तो अगर आप कहीं थोड़ा सा आपको दूर लेना पड़ रहा है अकोमोडेशन, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो एकोमोडेशन है वहाँ से ट्रेन स्टेशन और बस स्टॉप कितनी दूर है। क्योंकि आप जाते ही तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लोगे नहीं, आपको वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप वहाँ पे टैक्सी या उबर करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको बहुत एक्सपेंसिव अफेयर पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा रिलाई होना होगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको वहाँ पर स्टूडेंट कार्ड बन जाता है यूनिवर्सिटी से। तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका बहुत मिनिमम चार्ज पड़ता है, कंसेशन मिलता है स्टूडेंट्स को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप ये देखेंगे आपके घर से ट्रेन स्टेशन और बस स्टॉप कितनी दूर है, और उसे पता करने के लिए बहुत आसान है। आप गूगल मैप, जब आपको पता चल जाएगी कहाँ पे एकोमोडेशन है, अगर आपने कोई एकोमोडेशन देखी है तो आप उसका एड्रेस डालिए गूगल मैप्स पे, और वहाँ पर गूगल मैप्स पे जब आप उसे सर्च करेंगे तो गूगल मैप्स में ही आपको ट्रेन स्टेशन का डिस्टेंस और बस स्टॉप का डिस्टेंस, क्लोजेस्ट बस स्टॉप आप उसमें टाइप कर सकते हैं, तो आपको ढूंढ के दिखा देगा कितना दूर है। कोशिश ये करिए कि जो बस स्टॉप हो आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। वहाँ पे डिपेंड करता है किस सबब में आप एकोमोडेशन ले रहे हैं। कई मेन जो बस स्टॉप्स हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, कहीं पे सब बस स्टेशन होते हैं जहाँ पे बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और कई मेन बस स्टॉप्स हैं जहाँ पे बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सब डिपेंड करेगा। दूसरा, आप अकोमोडेशन अगर ढूंढना है तो आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं गमट्री पे। अब गमट्री एक ऐप है जो आप फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल पे जाके गमट्री टाइप करके gumtree.com.au, अगर आप इसे gumtree.com डाला तो वो शायद यूके का भी खोल सकते हैं, तो आप .com.au डालना ना भूलें, gumtree.com.au। आप उसमें अपना अकाउंट बनाएं और आपका जो एरिया है आप वो एरिया टाइप करें और उस एरिया के आसपास एकोमोडेशन देखें, तो आपको एकोमोडेशन यहीं पे आप उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे ओनर को मैसेज करें कि मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ पे आने वाला हूँ, और क्या ये रूम अवेलेबल है, क्या मैं वर्चुअल व्यूइंग कर सकता हूँ। वर्चुअल व्यूइंग मतलब वो आपको वीडियो कॉलिंग से दिखा देंगे, और सारी जो कंडीशंस हैं वो गमट्री में आपको उस एडवर्टीजमेंट में मिल जाएंगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अकोमोडेशन ढूंढें तो उसमें ये देखिए कि उसमें यूटिलिटी बिल्स इंक्लूसिव हैं या एक्सक्लूसिव हैं। इंक्लूसिव का मतलब है कि अगर $190 का पर वीक अगर रूम दिखा रहा है तो उसमें आपका वाईफाई, इंटरनेट, जो इंटरनेट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, गैस बिल है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। और कई एकोमोडेशन ऐसे भी हैं जहाँ पे 190+ बिल्स या एक्सक्लूसिव बिल्स दिखाता है, तो उसमें आपका $100 तक का महीने का एक्स्ट्रा, $100 to $150 आपका एक्स्ट्रा बैठ जाता है, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, ये सब मिला के एक्स्ट्रा बैठ जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं तो यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप गमट्री ऐप डाउनलोड कर लें जाने से पहले, और उसमें आप अपना सर्च करें, एरिया ढूंढें किस एरिया में आपको रूम चाहिए, वो रूम्स आप सर्च करके आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, ताकि जब आप जाएं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तो वहाँ जाते ही आपको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोच के चलनी है कि जब आप अपनी बजटिंग कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलें कि अभी जो करंटली जो लिविंग एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी बढ़ चुका है। उसका रीज़न ये है कि जो अभी जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, उस वजह से फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो पहले जो फ्यूल $30 पर लीटर मिलता था, वो $18 तक जा रहा है, जिस वजह से वहाँ पे खाना पीना ये सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह थोड़ा उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ एक्सपेंस जो बढ़ा है वो है आपका रेंटल में, क्योंकि जो वहाँ के बैंक्स हैं, बैंक्स ने अपना जो मॉर्गेज
जो उनका रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो पहले अप टू 3% था, अब वो उन्होंने अप टू 7.5% तक कर दिया है। तो जिस वजह से रीपेमेंट्स बढ़ गए हैं हाउस ओनर्स की, और उसी वजह से उन्होंने रेंटल्स भी बढ़ा दिए हैं। तो पहले जो रूम आपको $120 में मिल जाता था, अभी वो $190 तक जा रहा है, अप टू $200 भी जा रहा है, 250 भी जा रहा है, 300 भी जा रहा है, डिपेंडिंग आप किस एरिया में आप वो रूम ले रहे हैं। वन बेडरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे हैं तो आप दो तीन जने मिल के पूरा घर भी रेंटल पे ले सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा चीप पड़ता है, क्योंकि आप चार जने मिल के पूरा घर ले लो तो आपको $500 पर वीक पड़ेगा, तो चार जनों में $500 बढ़ जाएगा, तो आपका सस्ते में हो जाएगा, $120-$130 तक का आपका खर्चा बैठ जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है कि आप यहाँ से गमट्री पे रूम ढूंढें, उसकी लोकेशन चेक करें, देखें कि वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी दूर है, वहाँ से शॉपिंग सेंटर कितनी दूर है, शॉप्स कितनी नज़दीक हैं वहाँ पे, फूड कोर्ट्स वगैरह अगर वहाँ पे आसपास कितनी दूर हैं, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में जीते हो तो आप खाना तो कम ही बनाते हो, क्योंकि आपकी भाग दौड़ लगी रहती है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, तो खाना वगैरह तो कम ही बनता है। तो आप ये देखेंगे आपका फूड रीच कितना दूर है, फूड कोर्ट्स, ये जो जितने भी कोल्स हैं, वूलवर्थ्स की शॉप्स कितनी दूर है तुम्हारा, आपके उस एकोमोडेशन हैं, बस स्टॉप कितनी दूर है, ट्रेन स्टेशन कितनी दूर है, और वहाँ से आपका जो डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आपको पढ़ना है वो कितनी दूर है, आपको कितना ट्रैवलिंग लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर जाने से पहले ही आप और क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपको वहाँ पर जाकर थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा हो, और हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो।